Hello, ma'am. What about you? What about you? I'm also fine. Thank you, ma'am. Today, chapter number 8. Weathers and seasons. Okay? आज नंबर 8 रीड करेंगे. चैप्टर का नेम है वेदर्स एंड सीजन, मौसम एंड ऋतु. चलिए बुक ओपन करिए. सभी लोग ओपन करेंगे. मैम ने ओपन करे. ओके, आप सब लोग माइक ऑफ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि सभी को रीडिंग करना है. यस मैम. सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है बेटा? यस मैम. यस मैम. लोग एक बार हैंड अपना हैंड शो करेंगे, इसको बुक दिख रही है. ओके, सभी को बुक दिख रही है. चलिए इसको रीडिंग करते हैं. चैप्टर नंबर 8, वेदर्स एंड सीजंस. वेदर्स मीन्स क्या होता है महिमा? चलिए माइक ऑन करके बताइए, वेदर्स मीन्स क्या होता है? वेदर्स मौसम. मौसम. सीजंस मीन्स मौसम या ऋतु. ओके, सीजन मीन्स मौसम. इसको ऋतु भी बोलते हैं. ऋतु मौसम भी होता है, ऋतु भी होता है. ओके, हाइलाइट्स. इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, टॉपिक क्या क्या है? चेंजिंग वेदर्स, मौसम का बदलना. सेकंड टॉपिक है डिफरेंट सीजन, अलग अलग ऋतुएं. ओके, फर्स्ट टॉपिक है चेंजिंग वेदर्स, सेकंड टॉपिक डिफरेंट सीजन. अब चलिए बताइए इस समय कौन सा सीजन चल रहा है? चलिए बताइए अमर. मैं विंटर. विंटर सीजन चल रहा है. विंटर. ओके, चलिए प्रज्वल आप बताइए कौन सा सीजन चल रहा है. प्रज्वल बताएंगे. बेटा कौन सा सीजन चल रहा है? मैं विंटर. विंटर. कितने सीजन होते हैं, हाउ मेनी सीजन प्रज्वल? यस मैम. चलिए बताइए कितने सीजन होते हैं मैम? ठंडी, गर्मी, स्प्रिंग, रेन. ओके, विंटर. आपने ठंडी बोला, फिर विंटर वाले बोल रहे हो. ओके, चलिए तो आप बताइए सौरभ. सौरभ सैनी, चलिए आप बताइए कितने सीजन होते हैं, जल्दी बोलिए माइक ऑन करके. सौरभ माइक ऑन करके बोलिए कितने सीजन होते हैं. मैम ठंडी, गर्मी, मैम रेनी सीजन, विंटर, समर, रेनी एंड स्प्रिंग. मैम समर, रेनी एंड स्प्रिंग. कौन कौन से? महिमा बोले बेटा. मैम विंटर, मैम विंटर, रेनी, समर, स्प्रिंग. विंटर, स्प्रिंग. ओके डियर रीडर, यहाँ पे डियर चिल्ड्रन, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर्स. यहाँ पर अलग प्रकार के मौसम होते हैं. ऑन सर्टन डेज इट इज कोल्ड एंड विंडी. कभी कभी यहाँ ठंड होता है, कभी कभी हवादार होता है. मौसम जो है कभी बहुत ही ठंड होता है और कभी कभी जो है बहुत ही हवादार मौसम होता है. ज्यादा तेजी से हवा चलती है. ऑन अदर डेज इट इज हॉट एंड सनी. और कभी कभी जो है बहुत ही मौसम बहुत ही गर्म होता है, ज्यादा तेजी से धूप निकलता है. ठीक है, मौसम जो बदलते रहते हैं, कभी कभी गर्मी होती है, कभी ठंडी होती है, कभी बारिश होती है. ओके,
Yes, ma'am. अब आगे देखते हैं जंप स्टार्ट्स बाय ईच पिक्चर टू द करेक्ट नंबर वन हैज बीन डन फॉर यू मैच ईच पिक्चर इन सभी पिक्चर को मैच करना है करेक्ट नंबर से आपको नंबर यहाँ पे राइट करना है पिक्चर देखते हुए आपको राइट करना है कि कौन सा है किस वेदर का पिक्चर है ये किस सीजन का पिक्चर ओके जैसे यहाँ पे फर्स्ट है आप फर्स्ट देख के बताइए यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे रेनी डे बारिश का दिन ओके तो यहाँ पे हम नंबर फोर राइट करेंगे यहाँ बॉक्स में राइट करें नंबर फोर विशेष देवा देवी ऑन करिए आगे देखिए वीरू हम राइट करें बुक देख रहे हो कि नहीं यस और नो तो बोल दिया करो बुक है कि नहीं आपके पास माइक ऑन करो माइक ऑन करके मैम राइट करें ओके नेक्स्ट है पिक्चर देखिए यहाँ पे हम क्या राइट करेंगे अब कोल्ड है कोल्ड डे विंडी डे सनी डे रेनी डे क्या होगा यहाँ पे सनी डे है ये हवादार बहुत ही तेजी से हवा चल रही है पत्ते गिर रहे हैं यहाँ पे विंडी डे राइट करेंगे ओके विंडी डे राइट किए यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखिए सन निकला हुआ है दूसरे वाले में मैम दूसरे वाले में क्या राइट करेंगे बेटा बता तो रहे हैं यहाँ पे नंबर टू राइट करेंगे यहाँ पे यस मैम यहाँ पे नंबर फोर है यहाँ नंबर टू है सनी डे यहाँ पे सनी डे नंबर थ्री और यहाँ पर नंबर वन नंबर नंबर वन में क्या राइट राइट क्या है कोल्ड डे जो कि समय चल रहा है ओके आज का मौसम कैसा है दिवेश तिवारी माइक ऑन करिए आज का मौसम कैसा है मैम ठंडा कोल्ड है ओके अब से आगे रीड करते हैं मौसम कोल्ड है नाउ टेक व्हाट यू ऑलरेडी नो Identify the clockish band during different seasons. अलग अलग सीजन में पहनते हैं क्या मौसम में पहनते हैं और आपको ये इसके पहले चैप्टर में आपको रीड भी करवाया गया है आपने इसको रीड भी किया है इसके बारे में जाना भी है कि किस मौसम में हम कौन से क्लॉथिश को पहनते हैं सबको पता है ना Yes, ma'am. चलिए इसको बताएंगे आर्यन माइक ऑन करिए बताइए हम समर के मौसम में कैसे कपड़े पहनते हैं आर्यन माइक ऑन करिए समर डेज में कैसे क्लासेस पहनते हैं जल्दी बोलिए आर्यन ठंडी वाले क्या समर डेज में कैसे कपड़े पहनते हैं उल पहनते हैं समर डे में उलन कपड़े पहनते हैं मैम बताए बोलिए मैम कॉटन क्लॉथ पहनते हैं ओके विंटर के मौसम में किस कौन से कपड़े पहनते हैं मैम उलन क्लॉथ गुड इसको आप लोग लर्न कर लेना ठीक है यस मैम चलिए आगे देखते हैं चेंजिंग वेदर्स अब हमारा टॉपिक है हमें क्या रीड करना है आज के टॉपिक में चेंजिंग वेदर्स मौसम का बदलना चलिए रीड करिए हु वांट टू रीड पहले रीड करेंगे बेटा आदर्श वीडियो ऑन करिए आदर्श वर्मा देवान शर्मा वीडियो ऑन करिए चलिए पहले आज रीड करेंगे प्रिंसिपल वेदर को
जो माइक ऑन करिए बेटा, चलिए रीडिंग करिए। कूल डे, यस मैम। सनी डे, कूल डे, यस मैम। हां चलिए यहां से रीड करिए। रिसाइट द पोयम। मेरा रीड के सबको अभी सबसे रीडिंग करवाना है। रेन रेन गो अवे विथ योर फ्रेंड्स। चलिए आप सभी लोग राइम सुनाइए। रेन रेन गो अवे, किसको लर्न है राइम? जिसको लर्न अपना हैंड शो करेंगे, ये राइम किसको लर्न है? रेन रेन गो अवे। आप लोगों ने अपने यूकेजी एलकेजी क्लास में रीड भी किया है इस पोयम को। चलिए अमर सुनाएंगे। यस अमर। रेन 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 गो अवे, कम अवे आफ्टर डे, कम अगेन एंड अदर डे। आप रॉन्ग सुना रहे हो। रेन रेन गो अवे, कम अगेन एंड अदर डे। लिटिल जॉनी वांट्स टू प्ले, रेन रेन गो अवे। यही तो है कि और कुछ है? yes. चलिए आप सुनाइए। आदर्श वर्मा, आदर्श वर्मा माइक ऑन करिए। चलिए पोएम सुनाइए। रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। लिटिल आदर्श वांट टू प्ले, लिटिल अदर वांट टू प्ले, लिटिल आदर्श वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे, रेन रेन गो अवे। चलिए दिव्यांशु आप सुनाइए। दिव्यांशु। रेन रेन गो अवे, कम अगेन, कम अगेन आ वाटर डे। लिटिल दिव्यांशु वांट टू प्ले, नहीं था ना पोएम में? लिटिल दिव्यांशु वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे। चलिए बीरू आप सुनाइए। बीरू सोनकर माइक ऑन करिए, आप सुनाइए पोएम रेन रेन गो अवे। रेन रेन गो अवे, कम कम अगेन, कम अगेन एंड अदर डे, एंड अदर डे। लिटिल बीरू वांट टू प्ले, रेन रेन गो अवे। ओके, रेन रेन गो अवे। आधा जिला सुनाइए। मैम रेन रेन गो अवे, बेटा अनुष्का वीडियो ऑन करके विशेष रेन गो अवे। लिटिल आराध्या वांट टू प्ले, रन रन गो अवे, कम अगेन अनदर डे। लिटिल जॉनी वांट हाउ वांट टू प्ले, रन रन गो प्ले। ओके, रन रन गो प्ले। हैव यू एवर एक्सपीरियंस्ड रन इन समर और विंटर? क्या आपने कभी बारिश का अनुभव किया है? कौन से मौसम में? समर एंड विंटर, गर्मी के मौसम में, ठंडी के मौसम में। क्या आपने कभी बारिश का अनुभव किया है? yes, किया है। अगर ठंडी के मौसम में बारिश हो तो कैसा मौसम कैसा रहेगा उस समय? अगर सब बारिश होने लगे, ठंडी का मौसम चलेगा और बारिश भी होने लगे, तो कैसा मौसम कैसा हो जाएगा? बहुत ही कोल्ड हो जाएगा ना? यस मैम। अगर समय बहुत ज्यादा गर्मी हो रही है, उसमें बारिश होने लगती है, तो मौसम कैसा लगता है आपको उस समय? अच्छा लगता है ना? yes, तेजी से गर्मी yes, हो रही है, अचानक बारिश होने लगे, तो मौसम बहुत ही अच्छा लगता है उस समय, लगता है ना? yes, ठंड ठंड लगता yes, है गर्मी के मौसम में। ओके अब चलिए आगे रीड करते हैं। वन डे टीना वाज प्लेइंग इन द पार्क। One day, Tina was playing in the park. Play in the park. One day, me. मैम एक दिन. एक दिन. Okay, good. One day, Tina was playing in the park.
एक दिन तिना क्या कर रही थी? मैम खेलने गई थी। खेलने गई थी, खेल रही थी। वन डे तिना वाज प्लेइंग इन द पार्क। एक दिन तिना जो है पार्क में खेल रही थी। अब देखिए क्या होता है। सडनली अचानक द डार्क क्लाउड्स अपीयर इन द स्काई। आसमान में काले काले बादल दिखाई देने लगते हैं। वह पार्क में खेल रही थी, अचानक जो है आसमान में काले काले बादल प्रकट हो जाते हैं, दिखाई देने लगते हैं। सी गेस्ट इंस्पायर्ड रेन एंड रश्ड होम। वह अनुमान लगाती है कि अब तो बारिश होने वाली है और जल्दी से वह भागते हुए घर पहुंचती है। ओके, काले काले बादल को देखते ही पता चलता है कि अभी बारिश होने वाली है। फिर वो अपने घर दौड़कर जाती है। एट होम सी आस्क्ड हर मदर अबाउट द सडन चेंज इन द वेदर। एट होम घर पहुंचती है, सी आस्क्ड, वो अपने मदर से, उसने अपने मदर से पूछा, क्या पूछा? अबाउट द सडन चेंज सम वेदर, अचानक मौसम कैसे बदल गया। अपनी मदर से उसने पूछा कि अचानक ये मौसम कैसे बदल गया। मौसम कैसे बदल गया? मैं खेलने गई थी तो अच्छे से धूप थी और अचानक जो है ये बारिश कैसे होने लगी, मौसम कैसे बदल गया अचानक। हर मदर एक्सप्लेन दैट द वेदर कीप्स चेंजिंग। उसकी मदर ने व्याख्या किया, क्या व्याख्या किया? दैट द वेदर कीप्स चेंजिंग, जो मौसम जो है बदलते रहते हैं, मौसम बदलता रहता है, बदलते रहता है। मदर जो उसको समझाती है कि मौसम जो है हमेशा बदलता रहता है। आदर्श सामने देखिए, सभी को आया समझ में कि नहीं? यस मैम आया। तो आगे देखते हैं क्या होता है। व्हाट वी डू, हाँ आया, सभी को आ गया होगा। व्हाट वी डू वेयर और ईट डिपेंड्स ऑन द वेदर। हम क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, यह सब मौसम पर निर्भर होता है। हम कौन सी चीजें खाते हैं, कौन से कपड़े पहनते हैं, ये सब जो है मौसम पर निर्भर होता है। मौसम के अकॉर्डिंग ही हम खाना भी खाते हैं और कपड़े भी बदलते हैं। मतलब किस मौसम में क्या पहनना है, समर मौसम में क्या, समर किस सीजन में क्या पहनना है, विंटर सीजन में क्या पहनना है, ये सब जो है वेदर पे निर्भर होता है। ओके यस मैम। अभी अचानक देखिए कोहरा पड़ा हुआ है, अभी तक धूप निकल आए, गर्मी होने लगे, तो आपको अपना कपड़ा चेंज करना पड़ेगा ना? यस मैम। तो ऐसे ही मौसम जो है हमेशा बदलता रहता है, कब क्या हो पता नहीं, कौन सा मौसम कब हो जाए। ठीक है, यस मैम। यस मैम, आगे देखते हैं। वेदर चेंजेस एवरी डे, प्रत्येक दिन, एवरी डे बदलता है मौसम जो है, प्रत्येक दिन बदलता है। ओके देवांश, विशेष वीडियो ऑन करिए, किसी को वीडियो नहीं ऑफ करना है। आज वीडियो ऑफ करके कुछ भी करते रहते हो, बैठकर पढ़ाई नहीं करते हो। देवेश तिवारी, आपका फेस नहीं दिख रहा है, सामने बैठो। अब चलिए यहाँ पे देखते हैं, पोयम है, लुक आउटसाइड द विंडो एंड टेल मी व्हाट यू सी। लुक आउटसाइड द विंडो, विंडो के बाहर देखो, विंडो को ओपन करो, खिड़की को खोलो और बाहर देखो। एंड टेल मी, और मुझसे बताओ, व्हाट यू सी, आपने क्या देखा, आपको क्या दिखाई दे रहा है। अपनी विंडो, अपने विंडो को ओपन करो, अपनी खिड़की को खोलो और देख के बताओ कि आपको क्या दिखाई दे रहा है। बताइए क्या दिखाई दे रहा है। बादल नहीं दिखाई दे रहा, बादल दिखाई दे रहा है। मैम मैम बूंदों दिखाई दे रहा है। मैम बारिश दिखाई दे रहा है। मैम विंटर में बारिश, फ्रॉस्टी दिखाई दे रहा है। बूंदों पड़ रहा है, पाला पड़ रहा है, बूंदे क्यों नहीं है। ओके, बारिश नहीं हो रही है, बादल नहीं है, कोहरे ने जो है सूर्य को ढक दिया, इसलिए सूर नहीं दिखाई दे रहा। ओके यस मैम। अ ब्राइट सनी डे और इज इट एज क्लाउडी एज कैन बी। क्या बाहर जो है
सूरज चमक रहा है या बादल घिरे हुए हैं? मैम बादल बादल मैम बादल बादल नहीं मैम बादल चमक मैम बादल चमक रहा है मैम सन फ्रॉस्टी है मैम फ्रॉस्टी बोलते हैं मिस कोहरा होता है पाला जो होते हैं कोहरा पाला फ्रॉस्टी ये क्लाउड नहीं है फ्रॉस्टी दिखाई दे रहा है फ्रॉस्टी दिखाई दे रहा है ओके क्लाउडी मत बोलना क्लाउडी नहीं है सम डेज आर हॉट कभी कभी गर्मी होती है कभी कभी गर्मी होती है होती है कोल्ड और कभी कभी ठंडी होती है सम डेज इज स्नो कभी कभी बर्फ गिरते हैं कभी कभी बर्फ गिरते हैं व्हाई सम डेज और कभी कभी बारिश होती है गर्मी होती है कभी कभी ठंडी होती है सम डेज स्नो कभी कभी बर्फ गिरता है बारिश सम डेज पोअर मींस होता है बारिश पानी गिरना ऊपर से कभी कभी जो है बारिश होती है कभी 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 गर्मी होता है कभी कभी ठंडी होता है कभी कभी बारिश गिरता है कभी कभी बारिश ओके चलिए आगे देखते हैं द वेदर कीप्स ऑन चेंजिंग मौसम जो हमेशा बदलते रहते हैं इट्स रियली फन टू सी यह देखना बहुत ही मजेदार होता है कि मौसम कैसे बदलता रहता है रिमेम्बर टू ड्रेस सुटेबली आप याद रखो कि मौसम के अनुसार आपका ड्रेस भी होना चाहिए मौसम के अनुरूप आपको ड्रेस भी पहनना चाहिए जस्ट एज इट शुड बी ओके मौसम के अकॉर्डिंग आपको ड्रेस भी पहनना चाहिए कपड़े भी पहनना चाहिए अगर ठंडी के मौसम में हम विंटर के सीजन में हम समर डेज के कपड़े पहनेंगे क्लासेस पहनेंगे तो हमें ठंडी लग जाएगी लगेगी ना यस मैम यस मैम यस मैम लगेगी ठंडी में मौसम के अकॉर्डिंग ही कपड़े पहनने चाहिए ठीक है इसमें बाहर मत खेलना बहुत ठंडी लग जाएगी बाहर खेलना यस मैम घर के अंदर ही रहना अंदर के पढ़ाई करो लर्न करो घर के अंदर बैठ के आउटडोर इंडोर गेम प्ले करना आउटडोर गेम मत प्ले करना ठीक है कैरम बोर्ड प्ले करते हैं कैरम बोर्ड प्ले कर सकते लूडो प्ले कर सकते हो इस समय और भी लर्न कर सकते हो वर्ड मीनिंग लर्न करना हो टेबल लर्न करना हो बैठ के लर्न कर सकते हो मैम कैरम प्ले करते हैं साथ साथ पढ़ना भी है खेलना भी है ओके कि नहीं आप खेल प्ले करते करो पढ़ाई मत करो पढ़ाई भी साथ में करना है ना यस मैम अभी ठंडी के मौसम में yes, पढ़ाई किया करो पढ़ाई भी किया करो साथ साथ प्ले भी किया करो इतना सबको आ गया समझ में यस मैम आगे देखते हैं लेट्स लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर अब चलिए हम अलग अलग प्रकार के मौसम के बारे में सीखते हैं जानते हैं ओके चलिए हम अलग अलग मौसम के बारे में जानते हैं फर्स्ट है सनी फर्स्ट क्या है सनी बोलते हैं यस ऑन अ सनी डे गर्मी के मौसम में द स्काई इज क्लियर गर्मी के मौसम में क्या होता है द स्काई इज क्लियर स्काई मीन्स मैम बादल नो बेटा मैम बादल बादल नहीं होता आसमान होता है स्काई मीन्स क्लाउड मीन्स बादल होता है दोनों में डिफरेंस है ठीक है यस मैम ऑन सनी डे गर्मी के मौसम में द स्काई इज क्लियर आसमान जो है क्लियर होता है स्वच्छ होता है आसमान जो है बहुत ही स्वच्छ होता है साफ रहता है द सन शाइन्स ब्राइटली सनशाइन में सूरज की रोशनी जो चमकती है सूरज की रोशनी चमकती है इट इज वेरी हॉट और बहुत ही गर्मी होती है गर्मी के मौसम में आसमान बहुत ही क्लियर होता है साफ होता है सूरज की रोशनी चमकती है बहुत ही गर्मी होती है वी वेयर कॉटन क्लॉथेस एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर एंड जूस टू कीप आवरसेल्फ कूल वी वेयर कॉटन क्लॉथेस गर्मी के मौसम में हम सभी कॉटन के कपड़े पहनते हैं सूती कपड़े पहनते हैं ओके
यस मैम। और क्या करते हैं? एंड ड्रिंक प्लेंटी ऑफ कोल्ड वाटर और उचित मात्रा में ठंडा पानी पीते हैं। ठंडा चीज खाते हैं, पानी पीते हैं। एंड जूस टू कीप आवरसेल्फ कूल और ठंडे ठंडे जूस पीते हैं अपने आप को ठंड रखने के लिए। ओके गर्मी के मौसम में हम ज्यादा पानी पीते हैं, जूस पीते हैं, जिससे कि अपने आप को हम ठंड रख सके, कोल्ड रख सके, गर्मी से बच सके। एंजॉय ईटिंग आइसक्रीम, हम आइसक्रीम खाके एंजॉय करते हैं। आइसक्रीम खाते हैं गर्मी के मौसम में? यस मैम। मजा आता है आइसक्रीम खाने में ना गर्मी के मौसम में? यस मैम। अगर आज के मौसम में अभी आइसक्रीम खाने को मिल जाए तो क्या करोगे आप? खाओगे? नो मैम। नो मैम। क्यों नहीं खाओगे? नो मैम, कुछ नहीं पियेंगे मैम, ठंड लग जाएगी। ओके गोल्डन चीज खाना चाहिए। मिल जाए इस मौसम में तो ड्रिंक करोगे कि नहीं करोगे? नो मैम। नहीं करोगे? नो मैम। हम करेंगे। नो मैम। कौन करेगा? कोल्ड ड्रिंक कौन ड्रिंक करेगा इस समय? और ठंडी लग जाएगी तो कोल्ड ड्रिंक ड्रिंक करोगे? अगर समय पकौड़े मिल जाए गरम गरम खाने को तो क्या करोगे? तो मैं सभी लोग खाएंगे पकौड़े मिल जाए खाने को, समोसे मिल जाए, पकौड़े मिल जाए। Yes, ma'am. आगे देखते हैं। We must remember to apply sunscreen cream and wear caps before going out in the sun. We must remember, हमें अवश्य याद रखना चाहिए अगर हम धूप में निकलते हैं तो हमें क्रीम आता है जिसे सनस्क्रीन बोलते हैं। ओके धूप में आप लगा के बाहर निकलो तो आपकी त्वचा पे कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है? Yes, ma'am. हमें कैप लगा के बाहर निकलना चाहिए था गर्मी के दिनों में, बारिश जब धूप तेजी से होता है तो हमें कैप लगा के निकलना चाहिए। आगे देखते हैं। दिस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द सन रेज, सनरेज मीन्स सूर्य की कीड़े, सनरेज मीन्स सूर्य की कीड़े, ये जो है हमें सूर्य की कीड़े से बचाती है। ओके यस मैम। सभी को आगे इतना समझ में? Yes, ma'am. आगे है कोल्ड। अब देखते हैं कोल्ड वेदर में क्या होता है ठंडी के मौसम में। Some days it get quite cold. कभी कभी सर्वदा जो है ठंडी होती है। It even snow in some places. कोल्ड ठंडी के मौसम में कहीं कहीं बर्फ भी गिरता है। ठंडी के मौसम में कहीं कहीं बर्फ भी गिरता है। Yes, ma'am. We wear woolen clothes. हम जो है ऊनी कपड़े पहनते हैं। And drink hot soup to keep ourselves warm. और हम गर्म गर्म सूप ड्रिंक करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए। ओके यस मैम। गर्म गर्म सूप जो है ड्रिंक करते हैं अपने आप को गर्म रखने के लिए, ठंडी से बचाने के लिए। इन प्लेसेस वेयर इट स्नो, जहाँ पर इस समय बर्फ गिरता है, चिल्ड्रन लाइक टू गो आउटसाइड एंड प्ले विद द स्नो, बच्चे जो है बाहर जाकर बर्फ के साथ खेलना पसंद करते हैं। यस मैम, देखिए बच्चे जो है बर्फ में प्ले कर रहे हैं। बोलिए बेटा। यस मैम, हमारे यहाँ मैम एक दिन बारिश हो रही थी मैम, बर्फ गिर गया था मैम, खाए थे हम लोग, खाए थे उसको। ओके हमारे यहाँ दो दिन बाद। आप क्या दो दिन बाद गिरा था? आप फिर अलग रहते हो क्या? आप यहीं पे रहते हो? गिरा था मैम, हमारे यहाँ पर मैम एक दिन बारिश हो, मैम हमारे बहुत बार अब गिरा था मैम, हमारे भी घर पे गिरा था। बातें हो गई, चलिए आगे रीड करते हैं। अब देखते हैं रेनी डे। On a rainy day, the sky is covered with dark clouds.
बारिश के मौसम में स्काई जो आसमान होता है ढका होता है किससे, विद डार्क क्लाउड्स, काले काले बादल से। ओके बारिश के दिनों में आसमान जो है काले काले बादल से ढका रहता है। एंड इट रेन्स मोस्ट ऑफ द टाइम, और ज्यादा बारिश होती है इस समय, बहुत ही तेजी से बारिश होती है। पीपल यूज रेन कोट्स, व्यक्ति जो है क्या यूज करते हैं, रेन कोट पहनते हैं, गम्बूट्स पहनते हैं एंड अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ फ्रॉम द रेन। अम्ब्रेला का यूज करते हैं अपने आप को बारिश से बचाने के लिए, हम बाहर निकलते हैं साथ में अम्ब्रेला लेके जाते हैं ताकि बारिश में भीगे ना। ओके क्योंकि बारिश में भीगेंगे तो सर्दी लग जाएगी। ड्यूरिंग द रेन, बारिश के समय वी शुड अवॉइड, हमें बचना चाहिए, किस चीज से बचना चाहिए, ईटिंग फूड फ्रॉम आउटसाइड, बाहर के खाना खाने से बचना चाहिए, हमें बारिश के मौसम में बाहर का खाना नहीं खाना चाहिए। ओके क्यों नहीं खाना चाहिए, आपको पता है क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाहर के बारिश के मौसम में बाहर का खाना बहुत ही हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है, हमारे हेल्थ के लिए नुकसानदायक होता है। ओके नेक्स्ट है, टाइम भी ओवर होने वाला है, कौन सा डे है, विंडी डे, कभी कभी बहुत ही हवा चलती है तेजी से, इस समय क्या होता है देखो, ऑन अ विंडी डे द विंड ब्लो स्ट्रॉन्गली, इस समय जो है विंडी डे में हवा बहुत तेजी से चलती है। वी कैन नॉट गो आउट टू प्ले, हम बाहर खेलने नहीं जा सकते हैं। वी फाइंड इट डिफिकल्ट टू वॉक और साइकिल आउटसाइड, बाहर बेटा कौन है ये माइक ऑफ कर लो, इस समय हम बाहर जो बाइसिकल भी नहीं चला सकते ना ही टहल सकते हैं। ओके अब आगे देखते हैं, क्लाउडी डे, ऑन अ क्लाउडी डे क्लाउड्स फिल द स्काई, क्लाउडी डे में आसमान जो है बादल से भरा होता है, एंड कवर द सन, और सूर्य ढका होता है, इट गेट्स डार्क एंड रेन एट टाइम, बहुत ही अंधेरा होता है, कभी बारिश भी होने लगती है क्लाउडी डे में। अब आगे की टॉपिक हम रीड करेंगे नेक्स्ट सेशन में, कौन सी टॉपिक है, डिफरेंट सीजन्स, आज हमने क्या रीड किया, आज हमने क्या रीड किया, डिफरेंट सीजन, आज हमने रीड किया डिफरेंट सीजन, चेंजिंग वेदर्स, आज का टॉपिक था चेंजिंग वेदर्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। नेक्स्ट सेशन में हम लोग रीड करेंगे डिफरेंट सीजन्स, अलग अलग प्रकार के ऋतु के बारे में कि कौन कौन सी ऋतु होती है। ओके अब ने किसे कुछ पूछना है इसमें, जो भी आज पढ़ाया गया सबको आ गया समझ में, बोले बेटा, नो मैम, नो मैम, किसी को नहीं आया, मैम आया, आ गया, ओके तो आज का होमवर्क आपको क्या कंप्लीट करना है, जो भी वर्ड्स मीनिंग सेंड की गई है उसी को सबको कंप्लीट करके सेंड करना है, सभी को सेंड, जितने लोग ज्वाइन किए हैं आज सभी को सेंड करना है वर्ड्स मीनिंग चैप्टर 8 का। यस मैम, मैम फॉर्म, ओके आगे की एक्सरसाइज जो है बाद में कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट सेशन में, ठीक है, क्योंकि आज तो वर्क दिया गया आप सभी को, आज तो ही वर्क आपको करना है, वर्ड्स मीनिंग ही आपको राइट करना है और लर्न भी कर लेना, ठीक है, यस मैम, यस मैम, ओके बेटा। अच्छा है किसी कुछ पूछना है, नो मैम, नो मैम, बाय बाय मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय मैम, गुड बाय।